हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे फेस पैक्स जो विंटर्स में आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाए रखेंगे और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करके भी रखेंगे। इसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील बिल्कुल भी नहीं करेगी और इसे जो आपकी स्किन है वो ग्लोइंग रहेगी, साथ ही बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं होगी, जैसा कि विंटर्स में अक्सर हो जाता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको विंटर्स में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है तो ये दोनों ही फेस पैक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया हुआ है और इस बाउल में मैं ऐड करने वाली हूँ ये ऑरेंज पील पाउडर। मैंने यहाँ पर रेडीमेड लिया हुआ है, बट आप यहाँ पर विंटर्स में ऑरेंज पील को अच्छे से ड्राई करके उसका भी पाउडर बना सकते हैं, वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो बिल्कुल प्योर होगा तो आपको उसके बेनिफिट्स ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने में हेल्प करता है। तो आप एक बार इस तरह से ये फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चम्मच ये पाउडर लेना होगा। आप यहाँ पर चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टाइम के यूज़ के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच ये पाउडर लिया हुआ है। इसे आप घर पर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और सभी इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इन फेस पैक्स में, ओनली दो इन्ग्रीडियंट मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ गुलाब जल ऐड करना है और ये आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं ये गुलाबी रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजीली आपको मिल भी जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आपको ये ऐड करना है। एक चम्मच पाउडर में आपको 3 से 4 चम्मच रोज़ वाटर यूज़ हो जाएगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। अगर आप एक साथ ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी। तो बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और फेस पैक जैसी कंसिस्टेंसी में बना लेना है। और जब ये अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा और बस इसे आपको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके भी दिखाने वाली हूँ। बस इस तरह से आपको पतली पतली लेयर अपने फेस पर लगानी है और बस थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में। उसके बाद आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक लेयर इसकी नहीं बनने वाली है, तो मैक्स टू मैक्स ये 10 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसे वॉश करके इसके रिजल्ट्स भी दिखाने वाली हूँ जो कि आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अब ये ड्राई हो गया था, मैंने अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं जो भी रिजल्ट हैं वो आपके सामने हैं। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट फेस पैक बना सकते हैं अगर आप अपनी स्किन से डलनेस को दूर करना चाहते हैं और अपनी स्किन को ब्राइट बनाए रखना चाहते हैं। तो आप एक बार ये ऑरेंज पील पाउडर वाला फेस पैक ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको गारंटीड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं पहले भी इस तरह के ऑरेंज पील रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अगर आप इसे ऑरेंज टोनर के साथ यूज़ करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ एक और रेमेडी जो कि हमारी स्किन के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है इस विंटर्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये दही यूज़ करने वाली हूँ जो कि आप सभी जानते ही होंगे ये स्किन के डलनेस को दूर करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है और इसमें भी विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है। और जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ वो है ये लिकोराइस पाउडर यानी कि मुलेठी पाउडर। इसे भी आप इजीली घर में बना सकते हैं। मुलेठी को अच्छे से ड्राई करके उसको अच्छे से मिक्सर में डालकर पाउडर बना लीजिए और आपका फ्रेश लिकोराइस पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो आप एक बार इस तरह से भी इसे बना कर ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से आप ये एल्ब्स गुडनेस ब्रांड का बाय भी कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ पर ये 1 से 1.5 चम्मच पाउडर आपको यूज़ कर लेना है और इसकी जो लेयर है वो थोड़ी सी थिक आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये पाउडर ऐड किया है और इसे मैं अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ 2 इन्ग्रीडियंट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है अगर आपको पिम्पल्स भी होते हैं, आपकी स्किन ड्राई भी है, आपकी स्किन डल भी है, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से
सॉफ्ट एंड स्मूथ बन जाएगी। आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट आपको बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी इसका पेस्ट बनाने में, बट जब ये रेडी हो जाएगा तो बहुत ही इजीली ये स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही स्मूथली आपके फेस पर ये अच्छे से अप्लाई भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसका ये जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस आपको लम्प फ्री पेस्ट बनाकर तैयार करना है ताकि आप इजीली इसे इवनली अपने फेस पर अप्लाई कर पाएँ। तो बस अब इस तरह से आपको इसे अपने फेस पर भी अप्लाई करना है, जिस तरह मैं अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और ये भी बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बना है, बट इस तरह से आपको इसकी थोड़ी सी थिक लेयर आपको अप्लाई करनी है। पहले वाला जिस तरह से हमने अप्लाई किया उस तरह से आपको इसे अप्लाई नहीं करना है। और ये जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ड्राई होने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और जो भी रिज़ल्ट मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह से अगर ये रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।